हेलो, दिस इज़ मुसाहिद। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत कामगार होगा, तो प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आधी इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं होगी। तो इसलिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें इस वीडियो के रिलेवेंट, क्योंकि आपके फीचर से रिलेवेंट भी है भी, क्योंकि ये आपके जो भी लोन के बारे में एक्चुअली मोस्टली ये वीडियो बनाने का था। तो ये आइडिया आया, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए, तो मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा कि क्या है। तो अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट वेवर स्कीम जो है अनाउंस की है, जो लोग लोन लेते हैं वो तो उनके लिए सबसे पहले क्या है कि उसका क्राइटेरिया क्या है, कि ये किस किस बंदे को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिस जिस बंदे का जो लोन है वो अगर 2 करोड़ से कम है, अप टू 2 करोड़, तो जिसका लोन जिसने लिया है उसका अगर अप टू 2 करोड़ है या उससे नीचे है, तो उन उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब कौन कौन बंदों को मिलेगा, मतलब किस किस टाइप का, क्योंकि लोन भी कई टाइप के होते हैं। तो जिस जिस बंदे को जिस टाइप के लोन्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताए हैं बेसिकली। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएससी लोन है, एमएसएमई लोन है, जो छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह के लिए दिए जाते हैं, लघु उद्योग के लिए दिए जाते हैं, छोटे उद्योग बोलते हैं उनको, तो उनके लिए दिए जाते हैं। फिर सेकेंड है एजुकेशन लोन, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने लोन लिया है, शिक्षा के लिए जो लोन लिया गया है। और थर्ड वन है हाउसिंग लोन, जिस किसी ने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया या घर खरीदा उसके लिए लोन लिया वो आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ये कंज्यूमर के उसमें आता है, मतलब जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर लिया उन्होंने। क्रेडिट कार्ड लोन, जिस जिसके कार्ड हैं बने हुए और उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर लोन रखा, जैसे मान लिया उन्होंने अपना जो खर्चा किया वो क्रेडिट कार्ड से किया, तो उन पर वो लोन ऐड हुआ, तो वैसा टाइप का लोन। ऑटोमोबाइल्स लोन एक आपका रहता है, तो ऑटोमोबाइल्स लोन में आपके व्हीकल वगैरह रहते हैं, जो आपके टू व्हीलर व्हीकल, मतलब आपकी मोटरसाइकिल हो गई या फिर कार हो गई या फिर और भी बड़ा, मतलब कोई भी वाहन हुआ, उसके लिए आपने जो लोन लिया। पर्सनल प्रोफेशनल लोन, मतलब आपने अपने खुद के निजी स्किल्स के बारे में प्रोफेशनल के लिए लिया, पर्सनल प्रोफेशनल लोन उसके लिए। एंड कंजप्शन लोन, खपत, मतलब एक कंजप्शन क्या होता है कि एक तरीके से किसी चीज़ की खपत के लिए लोन ले रखा है, उसकी आप खपत करते हो उसके लिए लोन मिला हुआ। तो आर एलिजिबल फॉर दिस केस, की मतलब वो लोग बंदे एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है इन्होंने, सारी चीज़ें पर बताई दी हैं यहाँ पे, इन्होंने 10 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। और ये लोन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इन्होंने बताया है कि किसके लिए, ये उसके लिए है, रिवॉर्डेड है, कैसा, टाइमली EMI पेयर मे बी रिवॉर्डेड। तो मतलब जिस जिस बंदों ने अपना EMI टाइम से भरा है उन लोग के, ये लोग को बेनिफिट मिलने वाला है इसके थ्रू। अब देखते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि 3 मंथ मोरेटोरियम ऑन टर्म्स लोन फ्रॉम मार्च 1 टू एनेबल बोरोवर्स टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द COVID-19 ऑन 13 मई, सो इट एक्सटेंड डिड द मोरेटोरियम पीरियड बाई अनोदर 3 मंथ अंटिल अगस्त 31, 2023। सो द गवर्नमेंट विल हैव टू सेल आउट, मतलब इन्होंने कितना, गवर्नमेंट ने कितना दिया है इसके लिए, उसके लिए उन्होंने दिया है 6,500 करोड़ रुपया, कि इस स्कीम पे वो लगाने वाले हैं 6,500 करोड़। सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि वेवर को जो अप टू 2 करोड़ तक हैं उसके लिए जल्द से जल्द इसका बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर दिए इन्होंने कि क्या क्या इस स्कीम के बारे में तुम जानने की ज़रूरत है। तो पहले तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि किस किस को ये लोन मिलने वाला है, कौन कौन एप्लीकेबल रहेगा। तो ये सारे लोग रहेंगे, एमएसएमई, एजुकेशन लोन रहेगा, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, पर्सनल प्रोफेशनल, कंज्यूमर लोन, ठीक है। और सेकंड है बोरर हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल फैसिलिटी विद लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इज मोर देन 2 करोड़ इज नॉट, मतलब जिसका 2 करोड़ से ज़्यादा है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये फैसिलिटी उनके लिए प्रोवाइडेड नहीं है, उसका उसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो 2 करोड़ के नीचे नीचे वालों को ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द लोन शुड नॉट बी नॉन परमिसिव असिस्ट एज February 29, 2020, मतलब ये लोन जो होगा वो 2029 तक के
जो 29 फरवरी 2020 तक के असेस्ट के लिए परफॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर रहेगा। और 6 मंथ का ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये 1 मार्च से 31 अगस्त तक का ये कैलकुलेशन करके आपको देने वाले हैं इसका जो भी बेनिफिट बनेगा इनका। तो 5 पॉइंट क्या है, लोन अकाउंट आर क्लोज ड्यूरिंग द सेट पीरियड देन इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू डेट ऑफ क्लोजर फ्रॉम फर्स्ट। मतलब उन्होंने बताया कि इस पीरियड के बीच में कोई भी अकाउंट क्लोज नहीं होना चाहिए, सेट पीरियड मतलब, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है डेट क्लोजर टू फ्रॉम 1 मार्च। ठीक है, छठा क्या बोला है कि रेट इंटरेस्ट वुड बी प्रिवेल ऑन February 29 को ही दिया है, मतलब 29 वालों से ही होगा, मतलब प्रिवेल होगा 29 से 2020 की। क्रेडिट आर अमाउंट शुड बी डन बिफोर 5 नवंबर। तो जो जो भी पैसा जमा होगा वो 5 नवंबर तक आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्रेडिट द अमाउंट शुड बी डन बिफोर, मतलब 5 नवंबर से पहले पहले ये जितना भी अमाउंट आपका मिलने वाला सब्सिडी, जो भी ऐसे सब्सिडी का हो, या ये कर कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगता है उसकी गवर्नमेंट भरपाई करने वाली है, वो बैंकों को देगी और बैंक उसके लिए क्लेम करने वाले। आफ्टर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्रेडिट द अमाउंट द क्लोज देयर क्लेम फॉर रिइंबर्समेंट लेटेस्ट 5 15 दिसंबर 2000। मतलब जो रहेगा उसके लिए रिइंबर्समेंट के लिए कर सकते हैं, उसका 15 दिसंबर है, वो आपके लिए नहीं करना है, वो लॉज क्लेम करेंगे, मतलब जो जो बंदे देने वाले हैं। तो ईच लैंडिंग इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी ग्रीवेंस रिटर्न मैकेनिज्म फॉर द एलिजिबल बोरोवर्स। ठीक है, हर एक बंदा जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। सो ईच लैंडिंग इंस्टीट्यूट हर एक बंदा रिटर्न मैकेनिज्म फॉर एलिजिबल बोरोवर्स। ठीक है, द क्लेम शुड सबमिट बैंक एंड अदर लैंडिंग विल प्रोसीड थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जितना भी जो फ़ायदा मिलने वाला है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही आने वाला है पैसा, जिस इसके अकाउंट पे भी जाएगा। तो ये पूरा आज का डिटेल रहा भाई, और भी लेटेस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आएंगी उनके बारे में वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए देते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, और भी अवेयरनेस टाइप की वीडियोस हम बनाएंगे जो लोगों को ज़्यादा अवेयर करें उनके राइट के लिए, और वो कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं उसके लिए, और कोई भी स्कीम आए उसके बारे में भी। तो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस वीडियो, और भी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।